स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल पे और मैं हूं आपका विशाल सर विशाल कुमार जायसवाल। गाइज इस वक्त जस्ट अभी इसी सेकंड जिस वक्त मैं ये वीडियो डाल रहा हूं यानी कि 6:55 पे मैं ये इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसी वक्त इंडिया टीवी पे बीजेपी के प्रवक्ता संजू जी और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी के बीच में ये बहस छिड़ा हुआ था और काफ़ी चीज़ें निकल करके आ रही थी और वहाँ पर ये बातें निकल करके मैंने उनको गौर से सुना। मीडिया हमारे फेवर में है ये साफ पता चल रहा है, साफ साफ ये बात सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि आखिरकार जब बच्चों को आस पड़ोस में भेजा नहीं जाता है, पेरेंट्स भेजने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या एग्ज़ाम के लिए माँ बाप भेजने के लिए तैयार होंगे? या ऐसा तो नहीं कि बच्चों को ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है या माँ बाप को मजबूर किया जा रहा है कि किसी भी हालत में वो एग्ज़ाम सेंटर तक जाएं, अपने लाइफ को रिस्क में डालें और एग्ज़ाम्स लिखें? ये बड़ा सवाल है गाइज। और जैसा कि हमने बार बार कहा था कि ये पैंडेमिक कोई सामान्य स्थिति नहीं है, पैनलिस्ट ने अभी मैं खुद देख करके आ रहा हूँ, मैंने बहुत गंभीरता से सुना और उसके बाद में मैंने ये वहाँ देखा कि किस तरह से बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं संजू जी, उन्होंने भी इस चीज़ को वहाँ पर माना कि असामान्य स्थिति है। क्योंकि असामान्य स्थिति है तो इसको भी अलग ढंग से देखा जा सकता है, उन्होंने वहाँ पर एक्सेप्ट किया कि ऐसा क्राइटेरिया सेट होना चाहिए जिसमें क्लास 12th के भी बच्चों को क्लास 10th के बच्चों की तरह प्रमोट कर दिया जाए और जो बच्चे अपने मार्क्स से इंटरनल असेसमेंट जो मार्क्स उनको ऑब्वियसली दिया जाएगा अगर वो खुश नहीं होते हैं तो दे कैन हैव द ऑप्शन ऑफ अनदर एग्जाम। उनको एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि वो क्लास 10th वालों को जैसे कि एक ऑप्शनल एग्जाम का चांस दिया जा रहा है, जो बच्चे अपने मार्क्स से खुश नहीं होंगे उन सभी बच्चों को जो खुश नहीं होंगे उनको एग्जाम का मौका दिया जा सकता है। तो ये गाइज ये साफ निकल करके आ रहा है कि देश भर से ये मांग उठ रही है, चाहे वो पेरेंट्स एसोसिएशन हो, एबीवीपी हो या फिर कोई भी संगठन हो, समाजसेवी संगठन हो, एक्टिविस्ट हो, एक्सपर्ट्स। आज सुबह मैंने आपको अपडेट दिया था कि आनंद कुमार जी, जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है, एक अच्छे खासे वो स्कॉलर हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को कहा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि ये कंडीशन नहीं है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने का, चाहे वो कुछ भी हो, इस वक्त एग्जाम कंडक्शन नहीं होना चाहिए। ये कहना कि ये एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर में बेस्ड है तो यहाँ पे भी एक पॉइंट हम भी डाल रहे हैं और इसी वक्त इंडिया टीवी पे भी जो पैनल बैठा हुआ था वहाँ पे भी बहस चल रहा था और वहाँ पे भी यही बात उठाया गया कि अगर जो लोग कहते हैं, जो लोग इस बात का पक्ष लेते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम्स में काम आता है कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, तो क्यों नहीं ऐसा किया जा सकता कि कॉलेजेस, मैं अभी जेई और नीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वक्त कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, कि वो अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट रख ले। और यही बात इंडिया टीवी के पैनल के सामने में भी, वहां भी बहस के बीच में भी ये बात उठी और इस बात को एडमिट किया गया कि ऐसा कुछ एप्टीट्यूड हर कॉलेज वाले अपना रख सकते हैं इफ दे वॉन्ट, नहीं तो बच्चों को इस वक्त सेव करने का जो प्रयास है उसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। ये लगातार इंडिया टीवी के एंकर सवाल पूछ रहे थे कि चलो मान लिया जाए कि भाई आप लोग एग्जाम्स बोलते हैं कि लेना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम है, ये है, वो है, व्हाटएवर, लेकिन जब बच्चों को हम बगल के पड़ोस में जाने नहीं दे सकते, पार्क में खेलने नहीं भेज सकते, कहीं कुछ और करने नहीं भेज सकते, मार्केट नहीं, मतलब कुछ काम से नहीं भेज सकते, तो हम मतलब क्या माँ बाप जबरदस्ती, क्योंकि उनको उनके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जा रहा है, तो क्या उनको जबरदस्ती एग्जाम लिखने के लिए मौका, मतलब जबरदस्ती फोर्स किया जाए क्योंकि पेरेंट्स के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो उस पोजीशन पे बैठे नहीं हैं? क्यों नहीं ऐसा किया जा सकता है कि एक सर्वे कंडक्ट कर लिया जाए और उसके ऊपर में बहस हो, उसके ऊपर में विचार मांग लिया जाए, ऑप्शंस दे दिए जाएं, 2 से 3 ऑप्शन, जो स्टूडेंट जिस ऑप्शन के साथ जाना चाहे वो जा सकता हो, ऐसा चीज छोड़ दिया जाए। अगर मान लीजिए कि हमारे पास में, मैं एक आपको एक एक आपको एक रफ आइडिया मैं आपको देता हूं कि सपोज जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सिर्फ सीबीएसई क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूं, तो 14,30,000 स्टूडेंट्स आसपास है, ठीक है। अब यहां पे मैं एक पॉइंट उठा रहा हूं, बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। अगर सपोज हम ये ऑप्शन दे देते हैं कि इंटरनल असेसमेंट, 2 ऑप्शन हम मान रहे हैं, इंटरनल असेसमेंट पे आपको मार्क्स दे दिया जाएगा, या तो आप उससे सेटिस्फाइड हो जाओ, ये पहला ऑप्शन चुनिए, या तो दूसरा ऑप्शन चुनिए कि अगर आप अपने मार्क्स से खुश नहीं हैं तो आप जाकर के अल्टरनेटिव एग्जाम जो है, नेक्स्ट एग्जाम आप अपना दे दीजिए क्लास 12th का। अगर ये 2 मौका छोड़ा जाए और ये 14,30,000 अभी छोड़ देते हैं, चलिए मान लेते हैं एक लमसम एवरेज हम लेते हैं कि 14,00,000 स्टूडेंट हैं, अगर इस 14,00,000 में से
हम ये दो ऑप्शन भी छोड़ दें, सिर्फ दो ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूं, तीसरा ऑप्शन और भी क्रिएट किया जा सकता है, ये दो ऑप्शन में से अगर मान लेते हैं 60-70% भी इधर हट जाते हैं और यही कोई 10-5% जो भी 20% जो भी बचते हैं, तो वो अगर एग्जाम बच्चे देना चाहें तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो। और क्योंकि असामान्य स्थिति है तो वो कॉलेजेस में एडमिशन हो, क्या वहां के कॉलेजेस एडमिशन में क्या ढील नहीं दी जा सकती? क्या पिछले साल जेई एंट्रेंस में क्या क्राइटेरिया को लूज नहीं छोड़ा गया था? बड़ा सवाल है बच्चों और पेरेंट्स गार्जियंस जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, प्लीज अगर आप हमारे बात से सहमत हैं तो लिखिए, लिखिए कमेंट सेक्शन पर कि वी एग्री, हम सहमत करते हैं एंड वी आर यूनाइटेड। प्लीज लिखना नहीं भूलिएगा क्योंकि आपके एक एक कमेंट्स, आपके एक एक विचार मायने रखते हैं। प्लीज बी विद अस, बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।